हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। और देखिए, ये मेरे फ्लावर्स फाइनली खिल गए हैं। रोज़ ही खिलेंगे, अभी बहुत अच्छी सी इसमें कलियां बनने लगे हैं। नए भी आए हैं, देखिए, और एक कलियां बगल में खिली हैं। तो ये फ्लावर्स धीरे धीरे कर कर ये सारे ओपन हो जाएंगे। अभी मोगरा में भी इतनी अच्छी सी कलियां बन रही हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। देखिए, अभी समर का सीज़न स्टार्ट होते ही, जैसे कि हमने कली बनाए हैं बसंत पंचमी, तो हो रहा है अभी मानसून बन रहा है। तो देखिए, ये अच्छा वातावरण बन रहा है, ना ठंड है ना गर्म है, अच्छी जो भी एनवायरनमेंट है इस समय बहुत बढ़िया सी है। तो धीरे धीरे करके सारे इसमें फ्लावर्स आ ही जाएंगे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि सारे जो यहाँ पर बल्ब्स है इसको मैंने छेड़छाड़ नहीं की, ऐसे ही रहने दिया है। तो देखिए, ये कितना मोटा सा हो गया। तो अभी धीरे धीरे कर सारे बल्ब जो ओपन दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये फ्लावर बनेंगे। और अभी फ्लावर खिले हैं, ये वाले प्लूमेरिया पर भी बहुत अच्छी सी कलियाँ बनने लगी हैं। इनमें भी सीज़न है, तो बहुत अच्छी सी अरोमा अपना दे रही है। पत्तियाँ तो हैं नहीं, लेकिन फ्लावर्स गुच्छों में आ रहे हैं फ्रेंड्स, गुच्छों में इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। देखिए, यहाँ छोटे छोटे कलियाँ देखिए कितने प्यार से बन रहे हैं। सभी टहनियों पर मैं ना कलियाँ बन रही, छोटे छोटे से अभी हैं, ये सारे खिल जाएंगे तो बहुत बढ़िया से लगेंगे। तो अभी एक राउंड अच्छे से खिल जाएंगे, उसके बाद ये थोड़ी सी अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा, पत्तियाँ आएगा, उसके बाद फिर ये जब बारिश स्टार्ट हो जाएगा तब ये अच्छे से इसमें फ्लावर्स आने लगे। तो ये देखिए, कलर देसी वाली वैरायटी में बहुत अच्छी सी स्मेल रहती है। अगर हम फेवरेट और कलर शेड लाएंगे तो उसमें इतनी अरोमा नहीं रहती है जिसमें येलो और वाइट में रहती है। और येलो फ्लावर बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए कितने अच्छे से दो जुड़वा फ्लावर्स यहाँ पर बने हैं, खूबसूरत रंग ला रही है। देखिए कितनी अच्छी सी बड़े साइज़ में भी हुए हैं। तो अभी धीरे धीरे कल कर देखिए बहुत सारे फ्लावर्स खिलने लगे हैं अभी फिर से, क्योंकि जो फ्लावर्स पहले खिले थे उसको मैंने कट करके फेंक दिया था, तो फ्लावर्स स्लो हो गए थे, मतलब बहुत कम फ्लावर्स दिख रहे थे। तो अभी बहुत बढ़िया सी फ्लावर्स लग रही है, सभी में फ्लावर्स बन ही रहे हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आप सबको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय।